इंडियन रेलवे की एक आम सी ट्रेन, स्लीपर बोगी, और इसमें इमरजेंसी वाली खिड़की जिसकी लाल ग्रिल ऊपर उठ जाती है और उससे आधा धड़ बाहर निकाले एक लड़का जिसके सिर पर बंधा है भगवा रिबन और गले में भगवा पट्टी जिस पर शिवसेना का सिंबल धनुष पर चढ़ा तीर गुदा है। पट्टे में पार्टी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे का फेस प्रिंट है। इस शख्स ने बाएं हाथ में एक भगवा झंडा थामा हुआ है, दाहिने हाथ में है एक पोस्टर जिस पर बने हैं भगवान राम, हाथ में धनुष ताने प्रत्यंचा चढ़ाए, कंधे पर तीरों से भरा तरकश, कमर में बंधा भगवा मानो हवा में फहरा रहा है। एक्शन पैक्ड इस पोस्टर पर लिखा है, चलो अयोध्या। नमस्ते, मेरा नाम है स्वाति और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। ये तस्वीर 24 नवंबर से खूब वायरल हो रही है। इसमें दिख रहा नौजवान हिंदुत्व का ब्रांड न्यू पोस्टर बॉय बन गया है। ये शख्स शिवसेना के चलो अयोध्या कैंपेन में शामिल था। इसके जैसे हजारों जवान अयोध्या पहुंचे। पार्टी के मुखिया उद्धव ठाकरे खुद 24 नवंबर को अयोध्या में थे। इस पूरी मुहिम का मकसद था राम जन्मभूमि मंदिर के लिए माहौल तैयार करना। ये सब उस 6 दिसंबर के आसपास किया जा रहा है जो बाबरी मस्जिद ढाहे जाने की बरसी है। 2019 चुनावी साल है, शायद इसीलिए राम मंदिर के बहाने देश का माहौल गर्माया जा रहा है। चलो अयोध्या वाले उस जवान की तर्ज पर कट्टर हिंदुत्व के कुछ चर्चित पोस्टर बॉय पहले भी हुए हैं। इनमें से सबसे मशहूर हैं अशोक भावन भाई परमार। आप शायद नाम से ना पहचान पाएं, लेकिन तस्वीर देखकर जरूर याद आ जाएगा। साल 2002 के गुजरात दंगों में एक फोटो आई थी, सिर पर भगवा कपड़ा बांधे, दोनों हाथ ऊपर हवा में उठाए हुंकार भरता एक आदमी, उसके एक हाथ में लोहे की रॉड है, चेहरे पर घनी काली दाढ़ी और आंखों में उन्माद भरा है, उसके सामने और पीछे की तरफ आग धधक रही है। ये फोटो गुजरात दंगों की सबसे कुख्यात तस्वीरों में से है। सेबेस्टियन डिसूजा नाम के एक फोटोग्राफर ने गुजरात के दूधेश्वर में 28 फरवरी 2002 को ये तस्वीर क्लिक की थी। क्या आप जानते हैं कि दंगों में शामिल रहे अशोक अब क्या करते हैं? साल 2016 में गुजरात में दलितों ने कई प्रदर्शन किए। ऊना में मरी गाय की चमड़ी निकालने को लेकर 4 दलितों की पिटाई की गई। इससे नाराज दलित सड़कों पर उतर आए थे। सरकार विरोधी इन प्रदर्शनों में दलित अशोक भी शामिल थे। जानते हैं उस वक्त अशोक ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि दलितों और मुसलमानों को साथ आना होगा, उन्हें हाथ मिलाना होगा, तभी दोनों वर्गों का भला हो सकता है। दंगे में मुस्लिमों के खिलाफ उत्पात मचाने वाला अशोक अपनी हिंदू पहचान भुला चुके हैं, अब वो बस दलित रह गए हैं, ऐसा वो मानते हैं। ऐसे दलित जो दलितों के साथ होने वाले अन्याय से नाराज होता है, उसे गुस्सा आता है। दंगों के वक्त अशोक बेघर और बेरोजगार थे, अब वो अहमदाबाद शहर में जूते चप्पल सिलने का काम करते हैं। इतना नहीं कमा पाते कि सिर पर छत का भी इंतजाम कर सकें। बेघर हैं, फुटपाथ पर सोते हैं, गरीबी की वजह से शादी भी नहीं हो पाई। एक और ज़रूरी बात है, अशोक गोधरा कांड और इसके बाद हुए दंगों की निंदा करते हैं। वो दंगों में शामिल होने से भी इनकार करते हैं। उनके मुताबिक जिस दिन उनकी तस्वीर ली गई उस दिन दंगे हो रहे थे, हिंदू मार रहे थे मुसलमानों को। किसी ने उन्हें रॉड थमाकर कहा गोधरा का बदला लेने चलो। अशोक का कहना है कि उन्होंने किसी को मारा नहीं, बस रॉड लेकर चलते रहे। इसी दौरान एक फोटोग्राफर उनके पास आया और उनकी तस्वीर ले ली। अशोक की ये फोटो कई जगह पब्लिश हुई, मैगजीन्स में, अखबारों में और न्यूज़ चैनलों में छाई रही, देश विदेश सब जगह चर्चा में रही। बाद में इसी तस्वीर के बिना पर अशोक को पुलिस ने अरेस्ट भी किया। चलो अयोध्या वाले इस लड़के का नाम अभी हमें नहीं मालूम, देर सवेर उसकी भी पहचान सामने आ जाएगी। बहुत मुमकिन है कि वो बेरोजगार हो या ना भी हो, लेकिन ऐसे ज़्यादातर लड़के बेरोजगार ही होते हैं। ऐसे लड़कों को धर्म या राजनीति के नाम पर एकजुट करना ज़्यादा आसान होता है। नेता इनके हाथ में झंडा थमा देते हैं और इनको अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिन्हें रोजगार और भविष्य को लेकर नेताओं से सवाल पूछना चाहिए, वो नेताओं के पीछे लेफ्ट राइट लेफ्ट करते हुए मूर्ख बनते रहते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट खबरों और वीडियोस के लिए आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।
ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।